السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كا يعقوب عليه السلام كيف वफात के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे तो सब ने जवाब दिया कि आपके मबूत की और आपके आबा व अजदाद अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम के मबूत की जो एक ही है और हम उसी के फर्मा बरदार रहेंगे नजर करम ये सूर्बरा की आयत नंबर एक सौ तैतीस है इस आयत में अल्लाह यहूद को डांट फटकार जजर व तबी कर रहा है यहूदी चूंकि दावा करते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा कि तुम मेरे बाद यहूदी बन कर के रहना कहा कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम वसीयत कर रहे थे अगर वो कहेंगे कि हाँ मौजूद थे तो झूठे हैं और कहेंगे कि मौजूद नहीं थे तो ऐसे सूरत में फिर भी दावा गलत हो गया या ईसाइत या वसनीत इसकी अम्बिया ने तालीम नहीं दी और ना उन्होंने इसकी वसीयत की तमाम नबियों का दीन एक था दीन इस्लाम इसी की वसीयत की शरीयत और तरीक़े में कुछ इख्तलाफात रहे हैं कुछ कमी कुछ जाती हर दौर के लिहाज से अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं कि किलम्बिया इकवतलअल्लाम शत्ता व दी वाहि सही बुखारी की रवायत है कि अम्बिया की जमात अल्लाती भाई हैं उनकी माए मुख्तलिफ हैं और बाप एक है और उनका दिन एक ही है अम्बिया का दीन सबका दीन एक है दीन इस्लाम यकूब अरे सलाम के तलुक़ से यहूद ने गलत फहमी फैलाई तो अल्लाह ने पूछा इतना बड़ा दावा कर रहे हो क्या तुम मौजूद थे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने जो जवाब दिया उसको बयान किया गया कि अगर तुम मौजूद थे तो झूठ बोल रहे हो नहीं मौजूद थे तो सुनो कि उन्होंने क्या कहा इब्राहिम व इसमाक़ उनके बेटों ने कहा कि हम आपका जो माबूद है आपके बाप दादा का मबूद एम वाहिदा हम सिर्फ़ उसी की इबादत करेंगे और हम उसी के लिए इस्लाम लाए उसी के आगे झुकने वाले हैं तो अल बकरा की आयत नंबर 132 से जो मसाइल 133 से जो मसाइल साबित होते हैं जो फ़वाद हमें मिलते हैं पहला फ़ायदा याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की तरबियत के बहुत ज़्यादा हरीस और ख़्वाहिशमंद थे कि आदमी आखिरी वक्त में भी अपनी औलाद की तोहद और दीन पर कायम रहने की फ़िक्र कर रहा है यह है उनकी हिरस और एहतमाम अल्लाह के नबी याकूब इस्लाम का दूसरा मसला जब आखिरी वक्त आता है तो आदमी दो शक्ल होती है एक तो होश आवाज गायब हो जाते हैं कहें कुछ सुनेंगे कुछ तो उस बिल्कुल आखिरी वक्त की कोई बात आदमी के लिए मोतबर नहीं जब होश हवास नहीं तो फिर गर्चे सांस आ रही है आखिरी वक्त में आदमी जैसे बिस्तर पे है दो चार दस दिन ठीक ठाक है फिर अचानक चला गया या आखिरी वक्त में निकल गया तो जब तक वो ठीक ठाक है वो वसीयत करता है और उसकी वसीयत काबिल अमल है काबिले कबूल है याकूब अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी जो वक्त आया इंसान को पता लग जाता कि अब आखिरी टाइम आने वाला है तो उस वक्त अपनी औलाद को जमा करके एक चीज़ इतमान के तौर पर हासिल की बताया और औलाद ने जो जवाब दिया उससे वो बहुत खुश हुए तीसरा जो मसला और फ़ायदा मिलता है इस आयत से कि बाप हमेशा अपनी औलाद की सही तरबियत की फिक्र करे दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं एक है कि बाप चौबीस घंटा मेहनत करेगा कोल्हू की तरह खटेगा बिल्कुल जब देखिए दुनिया दौलत पैसा पैसा वो सोचेगा कि मेरी औलाद के लिए अपनी औलाद के लिए बना कर जाना चाहता है तो एक है औलाद के लिए बनाना दूसरी चीज़ है औलाद को बनाना औलाद के लिए अगर बनाएंगे तो औलाद अगर नालायक है तो बेच बाच के ख़त्म कर देगी पी पा के ख़त्म कर देगी औलाद के लिए बनाना एक कमाल नहीं है आप रिज्क हासिल कीजिए जो बच जाएगा वो आपकी औलाद का है लेकिन औलाद को बनाना दोनों में फ़र्क देखिए औलाद के लिए बनाना बच्चों के लिए बनाना और बच्चों को बनाना तो आपने बच्चों को जब बना दिया तो जहाँ भी खड़े होंगे जहाँ भी रहेंगे भाई कौन है किसके घर के हैं किसके ख़ानदान के, के हैं किस शहर किस गांव किस मुल्क के हैं ओलाद को जब बना दिया आपने तो वो हमेशा हमेश वो चीज़ आगे बढ़ाएगी उनको और उनके लिए बनाया है तो उसकी कोई गारंटी नहीं अम्बिया के राम औलाद के लिए नहीं बनाते थे औलाद को बनाते थे समझ रहे हैं उतर ओलाद को बनाना चाहिए उनकी आला तलीम अली तरबियत पे तवज्जो देनी चाहिए आदमी कम खाए स्टैंडर्ड मेरे ज़िंदगी लो रहे कोई बात नहीं लेकिन औलाद की तलीम और तरबियत पर कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए चौथा मसला जो इसकी की रोशनी में वाज होता है इंसान के लिए बाप दादा आइडियल होते हैं बाप दादा अगर बुरे हैं तो आदमी सोचेगा अगर हमारे बुरे थे बाप दादा का दीन है जैसे बिदाती मशरक़ क्यों नहीं छोड़ता अपनी बुराई को कहते बाप दादा का दीन है हम कैसे बाप दादा का रास्ता छोड़ दें बेदाती भी यही कहता है मशरक भी यही कहता है बाप दादा अगर तोहेद और दीन हक़ पर हैं तो ये बेहतरीन आइडियल बेहतरीन नमूना है ना अब कब इरा अबा इक आपके बाप दादा ने जिस मबूद की इबादत की आपने जिस की इबादत की ए हम वाहिदा एक अल्लाह की इबादत हम भी उसी की इबादत करेंगे कुफ़ार मक्का, उनके बाप दादा बुत थे, तो वो कहते इन्ना वजदना आबा अना अला उम्म और दूसरी जगह कि कानूल आब आबेदीन, तो बाप दादा इंसान के लिए आइडियल रुसवा होते हैं तो आज जब आप अच्छे बाप बनेंगे तो कल आप अच्छे दादा भी बनेंगे आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की अच्छे बाप हो गए आपके बेटों ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की आप अच्छे दादा बन गए इसलिए अम्बिया की जो तरबियत है जो सिलसिला है ये हमें सबक देता है कि बच्चों के लिए बनाने से ज्यादा जरूरी बच्चों को बनाना और उसी की फिक्र करना चाहिए पांचवा जो मसला और फायदा मिलता है इस आयत से कि इंसान जब कोई बुराई खुद करता है तो वो नहीं चाहेगा कि ये बुराई मेरी आलो औलाद में हो फितरी चीज़ है आलो औलाद को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहेगा जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है तो उसकी औलाद उसके सामने सिगरेट अगर पिएगी तो क्या वो पसंद करेगा शराबी का बेटा शराब पिएगा क्या पसंद करेगा गाली देने वाले का बेटा गाली देगा क्या पसंद करेगा बुराई बुराई होती है इंसान कभी नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बुरे रास्ते पर रहे क्योंकि जिस तरह अच्छाई का रास्ता बताने वाले को हमेशा हमेश अच्छाई पे अमल करने वाले के अमल तो का बदला मिलता रहेगा उसी तरह बुराई का राँता 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 तो रास्ता बताने और दिखाने वाले को गुनाह पर चलने वाले गुनाहों के का एक हिस्सा और उसके गुनाह का वो हिस्सा मिलता रहेगा आपने अपनी औलाद को गलत रास्ता दिखाया जब तक गलत रास्ते पर है उसका गुनाह उसे तो मिलेगा ही वो गुनाह आपको भी मिलेगा अच्छा रास्ता बताया जब तक अच्छे रास्ते पर है तो उसकी नेकियों का अमल बदला उसे भी मिलेगा आपको भी मिलेगा तो अंबिया का जो तरीका है कि नेक और सही रास्ते की रहनुमाई अपनी आलो ओलाद की, की जाए छठा मसला जब बोला जाएगा तो बाप दादा तो बाप है दादा है ये सब एक ही में आता है यानी बाप का जिक्र आएगा तो दादा का भी दादा का तो बाप का चाचा का ये हदीसों की रोशनी में इस तरह का जिक्र आता है ना अब का इलाह आबाई का इब्राहिम व इसमाइला व इसहाक़ ये सब उसी में आ गया बाप दादा में सातवां मसला इंसान की तोहद अल्लाह की वहदानियत का इकरार किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती कोई कितना भी पक्का मुसलमान बने अगर अल्लाह के माबूदे बरहक होने का इकरार नहीं करता तो वह वाहिद नहीं माना जाएगा इलाहम वाहिदा यह है तोहिद खालिस इकरार खालिस आठवां मसला आले याकूब की फ़जीलत कि आले याकूब सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे एक अल्लाह की इबादत करते थे और यहूद नसारा पर रद है जो कहते कि इब्राहिम स्लम यहूदी थे और सारे नबियों को अपने से जोड़ते हैं का नहीं उनकी दावत तो एक अल्लाह की बंदगी थी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताली हमारे लिए इस्लाम खालिस को पूरी ज़िंदगी का एक मिशन एक जौहर और एक जेवर बना दे और ज़िंदगी जब गुजारें अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद की तरबियत हम अम्बिया के तरीक़े पर करें अपनी औलाद को बनाने के फ़िक्र करें औलाद के लिए बनाने के फिक्र से ज़्यादा औलाद को बनाने की कोशिश करें इसी में सबसे बड़ी कामयाबी और भलाई है अल्लाह हमारी और आपकी मदद फरमाए आमीन व व अला आलिही व वसाब अजमईन